हे परम पिता ब्रह्मा, पूज्य पिता कुलत्स्य ऋषि, ये भयानक लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या मेरे पुत्र के जन्म के साथ कुछ अघटित घटित होने वाला है? जन्म के साथ ही ये बालक इतना बड़ा कैसे हो गया? ये है आप जैसे तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण और मुझ जैसी राक्षस कन्या के तंज का चमत्कार। इसे देखते ही मेरी सारी पीड़ा जाती रही, मेरा हृदय हर्ष और उल्लास से खिल उठा। वत्स, अपने पिता को प्रणाम करो इस तरह। आयुष्मान, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? बताइए स्वामी, अपने चमत्कारी पुत्र को इसका नाम। हाँ, आप तो तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं, मेरा नाम बताइए ना। बेटे, तुम जन्म लेते ही रोए थे। मुझे क्या मालूम कि मैं रोया था कि हंसा था। असाधारण रूप से रोने और विकट रूप से हंसने वाले का नाम रावण क्यों ना रख दिया जाए? रावण, हाँ अच्छा नाम है रावण। माँ, आज से तुम मुझे रावण कहकर पुकारो। रावण, तुम सचमुच चमत्कारी हो, अपने नाना की मनोकामना तुम अवश्य पूर्ण करोगे। नाना कहाँ है? नाना आयुष्मान वत्स, दैत्य कुल देवता भैरव भूतनाथ कल्याण करे। सुमाली माली माल्यवान, अब सावधान हो जाओ, राक्षसों का अभ्युत्थान अब अत्यंत निकट है। तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने में अब विलंब नहीं है। बस जिस कार्य के लिए तुमने केकसी को ऋषि विश्रवा के पास भेजा था वो सफल हुआ। केकसी की कोक से तुम्हारे ऐसे नाती का जन्म हुआ है जो तुम्हारे शत्रु देवताओं का काल बन के प्रकट हुआ है। आचार्य प्रवर गुरुदेव, आपकी भविष्यवाणी इतनी शीघ्र सत्य सिद्ध होगी ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। वो बालक समय की गति को पछाड़ता हुआ तेजी से बढ़ रहा है। ब्रह्म तेज के साथ ही उसमें राक्षस कुल का अभिमान भी है। यही अभिमान राक्षसी आत्मा का तेज पाकर सारे संसार को एक बार की भय की खाइयों में धकेल देगा। हम अपने उस नाती को देखने के इच्छुक हैं गुरुवर। यह समाचार पाते ही उसे देखने की हमारी ललक और भी बढ़ गई है। हमने अपने योग बल से देखा सुमाले, वो चमत्कारी बालक जन्म लेते ही 8 वर्ष के बालक की भांति वाचाल व चंचल हो उठा है। उस बालक में यदि एक हठ योगी का हठ है तो एक राक्षस की हिंसक दृष्टि भी है। अपना लक्ष्य पाने के लिए वो बालक मृत्यु से भी खेल सकता है। अब तुम्हारे भविष्य पर छाया अंधेरा
फटने लगा है सुमाली। हम तुम सबको यही शुभ समाचार देने आए थे। दैत्य कुल देवता भैरव भूतनाथ सबका कल्याण करें। आचार्य प्रवर के इस शुभ समाचार ने हमारी मृत आशाओं में प्राण फूंक दिए हैं। अब हम शीघ्र ही उस बालक को देखने विश्रवा आश्रम जाएंगे। इस गुफा के अंधेरों में घुट घुट कर हम जी रहे थे सुमाली। अब हम बाहर खुली हवा में सांस ले सकेंगे और ये सब केक्सी पुत्र के कारण ही संभव होगा। धन्य है रे केक्सी, तू धन्य है। राजा सुमाली, माली केक्सी पुत्र को देखने के साथ ही हमें उसे धन्यवाद करने का अवसर भी मिलेगा। चलो 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 चलो, शीघ्र चलो, शीघ्र चलो, शीग्र चलो।